नैब के बारे में बड़ा वाज़े मौकफ है, असेंबली में बयान कर दिया है, जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बयान कर दिया है। एक काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस वक्त जो रवैया और जो नैब कर रहा है मुल्क के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। हम इसको फेस करेंगे, लेकिन हकायक जो हैं वो आपने देख लिए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पहले एक केस में बुलाया गया, गिरफ्तार आशियाना में किया गया। आशियाना की हकीकत मैंने जुमे को बयान की है। अब नैब को भी पता है कि इसके अंदर कोई जान नहीं है, तो अब एक और केस बनाकर उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। उस केस में कोई जान नहीं है। जो शुगर मिल है वो भी जाकर देखी जा सकती है, जो ड्रेनेज की स्कीम है, जो पूरे पंजाब में ड्रेनेज स्कीमें बनी हुई हैं, ये एक ड्रेनेज स्कीम नहीं है। अगर वो मिल के अहाते के अंदर है तो यकीनन कोई केस बनता है। अगर वो एक शहर या गांव को फीड कर रही है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे सियासी इंतकाम की बू आती है। और नैब चूँकि मुशर्रफ ने बनाया था मुस्लिम लीग नून तोड़ने के लिए, आज भी बदकिस्मती से उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है।